हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सबको गार्डनिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सब लोग अपने टेरिस पे, अपने बालकनी में या फिर अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते तो वर्ल्ड को ग्रीन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम सभी को प्लांट्स लगाने चाहिए। और दोस्तों, मैं ऐसा कोई वीडियो शेयर नहीं करती जिसमें जिस प्लांट्स के बारे में मुझे पता ही नहीं और मैं वीडियो डाल दिया। डायरेक्ट मैं ले आई नर्सरी से प्लांट्स और उसका वीडियो मैंने डाल दिया। तो मैं उन्हीं प्लांट्स की वीडियो शेयर करती हूँ जिनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता होता है, या फिर मेरे हस्बैंड जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर फील्ड से है तो उनसे पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शेयर करती हूँ। और ये हमने सेम की फली लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी सी फलियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने शेयर की है, इनकी हार्वेस्टिंग की भी किए हैं। तो इनको आप ग्रो बैग वगैरह में लगा सकते हो, गमले में लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहता है और काफ़ी ईजिली ये सब्जी लग जाती है। तो आप इनको लगा सकते हो, बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जी हम आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर में लहसुन है, प्याज है, इस तरह की काफ़ी सारी सब्जियाँ जो ग्रो बैग वगैरह में लगा सकते हैं। तो मैं प्याज आपको निकाल के दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे हमारे प्याज लगे हुए हैं। आप लोगों को लगता होगा मेरे अंदर गार्डनिंग का क्रेज इतना कैसे आया, तो मेरी फैमिली है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो मैं जब भी गांव जाती हूँ उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से खेती होती है, काफ़ी सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं हम, काफ़ी फसलें लगाते हैं। तो मुझे मेरी फैमिली एग्रीकल्चर जुड़ी हुई, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो मैं अब गाँव की जो वीडियो है वो मैंने अभी शेयर भी की थी आप लोगों के साथ। ये हरी मिर्ची लगी हुई, काफ़ी अच्छी हरी मिर्ची हमारे यहाँ लगी हुई हैं, तो इन्हें आप गमले में लगा सकते हो, ग्रो बैग में लगा सकते हो। काफ़ी सारी सब्जी हमने लगा रखी है। इसके अलावा हम घर में खाली पॉली बैग से ग्रो बैग बना के उनमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं, पुराने मटकों को यूटिलाइज करके पुदीना लगा हुआ है। तो इस तरह से हम घर में फ्री के प्लांटर तैयार करके भी अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे इनमें प्लांट्स चलते हैं। तो मेरे सभी प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक पान की बेल लगाई है और ये कटिंग से लगाई है, तो यहाँ आप कटिंग से भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। तो आप इस तरह से प्लांट्स लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।